मायसेल्फ सौमेंद्र शर्मा एंड नाउ अवर एक्सरसाइज इज 3.1। हमने क्या है 3.1 के जितने भी जो क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन हमारी जो मेन एक्सरसाइज है वो 3.1 थ्री एक्सरसाइज है वो ही कंप्लीट ही है। फर्स्ट हमने पढ़ा था द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशियंट, रिलेशन बिटवीन द जीरोज और कॉफिशियंट के बीच में, तो उससे बेस्ड क्वेश्चन से हमारे नीचे इसमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जैसे कि आपको दे रखा 4x² + 8x, तो रिलेशन बिटवीन जो जीरोस और कॉफिशियंट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये है। सेकंड था, आपको मैंने बताया था कि आप यदि आपको सम ऑफ जीरोस दे दें, क्या दे दें बेटा, इधर देखो सम ऑफ जीरोस देते हैं आपको या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देते हैं, डायरेक्टली दे देता है, तो आप उसके लिए जैसे सम ऑफ जीरोस दे रखा है -3 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है बेटा 2 दे रखा है, तो इस पर भी इस क्वेश्चन है तो वो इससे कर सकते हो आप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपको मैंने एक क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड आपको कंप्लीट करवा रखा है, आप वीडियो में जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है एक्सरसाइज 3.2, ये आपको डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस है, तो डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस ही सारे एग्जांपल्स हैं, आप वीडियो में देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं है बेटा, इसी का सेकेंड क्वेश्चन भी यही है डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी जी एक्स से एफ एक्स को क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है, इसमें भी जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड करना है, क्लियर है, नहीं है, देखो इसमें भी आपको क्या करना है जी एक्स से किसको डिवाइड करना है, जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड करना है, जी एक्स से किसको डिवाइड करना है बेटा एफ एक्स को, क्लियर है ना, और जो वैल्यू आती है वो सारी लेकर आनी है। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको इसी तरह करना है। थर्ड वाले में आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था इसके अंदर कि जीरोज दे रखा है, वीडियो में बता रखा है कि जीरोज आपको गिवन है, उस जीरोज से आपको रिमेन जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, नहीं ये वीडियो नंबर 4th या 5th के अंदर है। ठीक है बेटा, पार्ट 4th या 5th के अंदर है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन भी एज इट इज़ है। हाँ बेटा, इसमें ढंग से देखना ध्यान से, देखो 3.3 के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर फॉलोइंग इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये आपको चेक करना, और क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन होती है फॉर्मूला होता है ax² + kbx और प्लस के क्या होना चाहिए बेटा, वो सी होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास होनी ही चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपको इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जानी चाहिए, एक्स स्क्वायर की टर्म्स आती है तब तो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स नहीं आती है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप सॉल्व करते हो तो मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो बेटा एक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है बेटा एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, प्लस फिर क्या आएगा बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आएगा, नहीं आएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स और प्लस के क्या आएगा बेटा 8 आएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है, देखो देखो a + b और a - b, तो क्या होता है बेटा a² ठीक है ना, और -b² यानी 2 का स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा बेटा आएगा, यहाँ भी x² वाले टर्म्स है और यहाँ भी x² वाले टर्म्स है, x² वाले टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा x वाले टर्म्स, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमको बाकी चेक करना है, बस आपको तो ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर के टर्म्स रहनी चाहिए हर हालात में, नहीं रहती है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, रहती है तो है। ठीक है, नहीं बेटा, अच्छा नेक्स्ट सेकंड देखो बेटा, वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने आपको करवाए हैं इस पर बेस क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हैं आप देखना। ठीक है, नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास अब फोर्थ क्वेश्चन है, देखो 3.4 परफेक्ट स्क्वायर मेथड, मैंने आपको सिखाया वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर मेथड, मैंने आपको सिखाया परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले x² वाले जैसे कि 3x² - 5x + 2 = क्या दे रखा है बेटा 0। ठीक है, तो क्या करते हैं x² वाले टर्म्स को सिंगल करते हैं, ठीक है ना, पहले तो हम क्या करते हैं पहले तो कॉन्स्टेंट टर्म का ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या बन जाएगा 3x² - 5x = क्या बन जाएगा बेटा -2, फिर 3x² वाले टर्म्स को सिंगल करोगे, फिर x के कोफिशियंट को हाफ करते हो। ठीक है, नहीं है, तो ये सारे बताएं, ये 3.4 में होंगे। ठीक है, नहीं है, उसके बाद देखो आप बेटा 3.4 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, देखो बेटा सेकंड कह रहा है श्रीधराचार्य फार्मूला, कौन सा यूज़ करना है बेटा हमको, श्रीधराचार्य वाला, श्रीधराचार्य का मैंने आपको सूत्र बताया -kb + √b² - k4ac, सही नहीं बेटा, और अपॉन क्या होता है बेटा 2a, पढ़ा है नहीं पढ़ा, होता है नहीं होता बेटा -kb + √b² - 4ac अपॉन क्या होता है बेटा 2a, इस फॉर्मूले से आपको इसको क्या करना है बेटा सॉल्व, क्वेश्चंस आपको इसके दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, और नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, ठीक है, नहीं है, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, वीडियो में आप देख सकते हो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, ठीक है, नहीं क्या कि b² - k
फोर ए सी की वैल्यू या तो छोटी होगी ज़ीरो से या इक्वल होगी या फिर क्या होगी बेटा ग्रेटर ज़ीरो के होगी। ठीक है ना, छोटी है तो क्या रियल सॉरी इमेजनरी या नॉट रियल, इक्वल है तो ज़ीरो के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल, और इससे बड़ी है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है नहीं, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ये सारे दे रखे हैं। ठीक है बेटा, इन्हीं को सॉल्व करना, नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है नहीं बेटा, यस बेटा, थैंक यू बेटा।